मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं दोस्तों पीएम मोदी की ये स्पीच के बाद इसका पूरा अनुमान था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जिसमें होम लोन के ऊपर आपको सब्सिडी का लाभ मिलता है जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी इकतीस मार्च दो हजार बाईस कर सकती है और इसी से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है न्यूज एजेंसी रोइटर के हवाले से इसके मुताबिक सरकार बहुत ही जल्द होम लोन पे सब्सिडी की जो अपनी स्कीम है उसे री लॉन्च करने की तैयारी में है तो आज के वीडियो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या है ये एक्चुअल खबर और किस तरीके से आपको इसमें बेनिफिट या लाभ मिलने की पॉसिबिलिटीज है तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये जो स्कीम है वो आने वाले पांच साल तक लागू रहने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बताई गई है यानी कि 2023 से लेकर के 2028 तक ये स्कीम लागू रहेगी और इसमें पांच मेजर चीजें कौन सी है जो यहाँ पर बताई गई है कि जो स्कीम में लागू हो सकती है तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि ये जो स्कीम है उसका बजट होगा साठ करोड़ रुपए यानी कि आने वाले पांच साल में लोगों को ये स्कीम के अंतर्गत साठ करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती

यहां पर अनाउंसमेंट है तीसरा क्या है थ्री टू सिक्स इंटरेस्ट सब्सिडी लाख की लोन के ऊपर और क्रेडिटेड फ्रंट इसका मतलब क्या है उसके ऊपर इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा कि वो का कितना होगा तो वो होगा तीन परसेंटेज से लेकर साढ़े छह परसेंटेज तक और यहां पर क्रेडिटेड अप्रंट का मतलब क्या है है कि अगर कोई बंदा 20 लाख की होम लोन लेता है तो उसको कितनी अमाउंट के ऊपर सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा तो केवल और केवल 9 लाख के ऊपर ही सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा बाकी के जो 11 लाख होंगे उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो यहां पर यह कैलकुलेट किया जाएगा कि नौ लाख रुपए की लोन है और अगर यहां पर साढ़े छह परसेंटेज तक इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है तो साढ़े छह परसेंटेज यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और 20 साल तक इसको कैलकुलेट किया जाता है और जो जो फिगर आती आती है 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 यानी कि अगर ये अमाउंट 2.65 2.65 लाख लाख रुपीस रुपीस तो वो वो कस्टमर को अपनी होम लोन में विद इन एक या डेढ़ साल में उसको जमा कर दिया जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिटेड अप्रंट प्रीवियसली जो स्कीम चल रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उसमें भी ऐसा ही था उसमें भी तीन से लेकर के

पहले भी बीस साल के टेन ईयर तक ही सब्सिडी का लाभ मिलता था अगर कोई पच्चीस साल के लिए यू you नो know, लोन लेता था तो केवल और केवल बीस साल तक ही उनको सब्सिडी का बेनिफिट मिलता था और उस हिसाब से ही कैलकुलेट करके यू नो लाख की अमाउंट आती थी लेकिन अब यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर कोई बंदा पचास लाख के ऊपर की होम लोन लेता है तो उन्हें हो सकता है कि यह सब्सिडी का लाभ ना मिले यह कुछ ऐसी चीजें जो पॉसिबिलिटीज है।, है कि आने वाले एक या डेढ़ महीने में इसकी डिटेल गाइडलाइन सरकार जारी करे और मैं चाहता

रहे, रहे जो अपना पहला मकान खरीदने जा रहे हैं उन्हीं लोगों को ये स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा तो ये पांच बहुत ही क्रूशियल चीजें हैं यहाँ पर हो सकता है कि आपके कई सवाल है कि आपने एक साल पहले ऑलरेडी मकान लिया है और पिछली स्कीम में आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिला तो क्या ये स्कीम के अंतर्गत आपको लाभ मिल पाएगा सब्सिडी का हो सकता है कि आपने पिछले एक साल में कोई अपना नया मकान लिया है और आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी स्कीम थी ही नहीं तो क्या यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा यहाँ पर मैक्सिमम कारपेट एरिया की लिमिट क्या रहेगी ऐसी हो सकता है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप जानना चाहते हैं और इसके लिए जब तक गवर्नमेंट इसकी डिटेल गाइडलाइन जारी नहीं करती ये स्कीम को ऑफिशियली लॉन्च नहीं करती तब तक यहाँ पर यू नो वेट करना हमें पड़ेगा लेकिन जैसे ही ये होगा हम डेफिनेटली इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको यह सब्सिडी का जल्द से जल्द और पूरा लाभ मिल पाए तो आज के वीडियो में इतना ही जल्द ही मिलते हैं